अच्छी फ्लायरिंग हुई, हर एक एक स्टिक में तकरीबन 6 से 7 फ्लायर आए देखिए, और एक बल्ब से देखिए दो दो स्टिक निकली है, देखिए इसमें दो स्टिक निकली, इसमें दो स्टिक निकली है, इसकी एक स्टिक जो है सड़ करके गिर गई अपने आप और एक स्टिक जो है बची हुई है। और देखिए ये यहाँ पर देखिए दो बल्ब ऑटोमेटिक अपने आप, ये देखिए ऑटोमेटिक, देखिए दो बल्ब निकले, एक ये बल्ब निकला एक ये बल्ब, ये ऑटोमेटिक इस साल नए निकले हैं, मतलब नए प्रोड्यूस हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब इसमें फ्लायरिंग खत्म हो गई, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अब हमें इसकी स्टिक निकाल देनी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमें इसकी स्टिक जो है बाहर खींच करके निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, निकालने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो इसकी ये स्टिक्स हैं, ठीक है, जो ये आपकी स्पाइन है, इनको आपको नीचे से जो है ना यूं कट कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमने इनको ऐसे कट करके अब निकाल देना है। अब दोस्तों इनका कोई काम नहीं है, या तो आप इनको लगी रहने दीजिए तो ये ड्राई हो जाएंगी, वरना आपकी जो है ये सारी की सारी एनर्जी खाती रहेंगी। तो आप क्या करिए, इनको कट करके निकाल दीजिए। देखिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया, सेम चीज़ ऐसे करनी है। आप ये देख लीजिए कि कहीं लीप तो नहीं फंस रही, कि लीप कट जाए, वैसे लीप कट जाती तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये देखिए अब इसमें दोस्तों देखिए, जब इसमें फ्लारिंग आनी होती है तब इसकी सारी की सारी लीप गिर जाती हैं, और जब फ्लारिंग इसमें ख़त्म हो जाती है उसके बाद इसमें लीप आना स्टार्ट होती है। अब आप क्या करिए, ये देखिए इसमें जो वीड लगी हुई है, ठीक है, तो इन वीड्स को दोस्तों मैं तो कहूँगा लगी रह दीजिए, क्योंकि अगर वीड्स लगी रहेंगी तो दोस्तों ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी खाती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं ये दोस्तों कितना एनर्जी खाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये लगी रहेंगी तो आपके पॉट में मॉइस्चर जरूर देती रहेंगी। इसके बाद आप क्या करिए, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आपको गुड़ी कर देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक एक इंच की आप कर दीजिए। अगर आपको नई सॉइल आपके पास हो तो आप इसमें जो है ऊपर के दो दो इंच की नई सॉइल निकाल करके आप नई सॉइल इसमें भर दीजिए, और या फिर आप इसमें जो है आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो, कोई भी कंपोस्ट हो, तो आप इसमें जो है डाल दीजिए और इसको फिलअप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है काउडंग कंपोस्ट का जो है लिक्विड जो मैंने बनाया था मैं उसको यूज करूँगा, प्लस जिसमें मैंने थोड़ा सा अभी पहले ही यूरिया भी मिला रखा था। तो यूरिया क्या करेगा, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा। दोस्तों इसको मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है केमिकल फर्टिलाइज़र से, वैसे केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं हिसाब में ही मतलब क्वांटिटी में ही यूज करता हूँ, कि मतलब एक्सेस नाइट्रोजन इसको ना मिले, उतना ही रेशियो में इसको मिले। अगर आप इस पॉट में अगर आप 3 दाने अगर आप डाल देते हो यूरिया के,